अगले ऑफिशियल में इतने सारे हैकर्स हैं, फैंसी सिस्टम ले आओ जहाँ पे अंडरडॉग। मुझे क्या लगता है कितनी वॉचिंग बीएमपीएस में 300 के पॉसिबल? भाई मेरे हिसाब से अगर अब तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ब्रो, अब थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होने वाले क्योंकि लोको भी इसमें हो चुका है शामिल, तो 250 के मेरे ख्याल से मैक्स अगर जाएगा तो, अगर उसमें फेवरेट टीम्स अगर जो भी है मतलब जिनके पास ऑडियंस है, जैसे अभी सोल है, हाइड्रा है, टॉप 3 टॉप 2 में आ रहे हैं, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज एवरेज की अगर मैं बात करूँ, एवरेज 150 के आई गेस, 150 के टू 200 के बीच में आई गेस। आप लोग बताओ भाई, आपके हिसाब से कितना लग रहा है कि वॉचिंग कितनी तक जा सकती है, आप लोग के हिसाब से क्या लगता है आपको? भाई चाय के बहुत शौकीन थे और बजट बहुत खराब कर रहे थे, तो हमने चाय के शॉट्स मंगा लिए मेजी भाई के लिए। कप का साइज देखो भाई, चाय के शॉट। गाइस परमिशन छोड़ो क्योंकि और बहुत सारे लोग डाल चुके हैं, तो इसलिए मैं भी डाल लेता हूँ। ये रहा व्यू, ठीक है, और ये पूरा व्यू है। और बाकी अभी मतलब आप लोगों का प्यार इतना है ना, अभी मैच टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, मेरे इतने सारे फैंस आ गए। देखो गाइस हाय बोल दो एक बार, डेल्टा शर्मा मत, अंडर एज भी अलाउड है हाय बोलने को। ये सारे फैंस है, ये तो हिमेश रेशमिया 2.0 है। एस पॉर कमिंग टू गॉड एल, मैंने बता दिया उसका क्या सीन था, मजाक कर रहा था वो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर होगा तो मैं सबसे पहले आके तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सेवन शूर के बॉट का क्या पता नहीं भाई, क्या सीन यार, कुछ आइडिया नहीं भाई, मेरे को कुछ आइडिया नहीं इन सब के बारे में यार। जल्दी भाई 4v4 इम्प्रूव करो यार, 4v4 पे ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी जितना भी हो सकता है। देखो इंडिविजुअल फाइट सब मेरी टीम के चारों बंदों की बहुत अच्छी है, खुद को मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, खुद को मिला के चारों बंदों की बहुत अच्छी है। और बस वही है, हम टीम के साथ कैसे करके वो 4v4 फाइट ले रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट कर सके अपना इसी चीज़ पे। नेशनल क्वालिफाई नहीं हो रहा, बाद में बड़े इंटरनेशनल लेवल की करेंगे, तो यार सपना भाई बड़ा ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। तो अगर तुम यही सोचोगे कि भाई नेशनल भी क्वालिफाई करना, तो कहाँ जा पाओगे? इंटरनेशनल में जीतेंगे जब इतना सोचोगे, तब तो कुछ होगा, समझ गए? और ठीक है, मैं मान रहा हूँ हम लोग क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम गंदी है या फिर कुछ भी गंदा है। हम लोग अच्छा कमबैक करेंगे और अच्छे से खेलेंगे, इतना मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जॉनी कभी कभी कॉल नहीं सुनता ढूंढ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, तुमको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मतलब कि जॉनी कॉल नहीं सुनता या कुछ भी? भाई वो अच्छे से कॉल सुनता है, जब प्रॉपर ही मैच चल रहा होता है ना अपना, वो प्रॉपर टीम को भी कॉल देता है और वो अच्छे से कॉल सुन के ही खेलता है। पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लगता है, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं भाई। सीन गॉड बॉट में क्या बोलना है, क्या बोलना है, अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भेंजो लाइफ टाइम बैन कर दो इन चूतियों को जो हैक करते हैं भाई, तब आएगा ना असली मजा। सीन अभी ऐसा है कि अगर ये खेल दें लोग क्राफ्टन के सामने, ये होने के बाद भी लिख के ले लो, अगले ऑफिशियल में इतने सारे हैकर्स आएंगे ना, इतने सारे हैकर्स आएंगे, की ताकत लगा लो तुम पकड़ नहीं पाओगे। और फिर इसके बाद एक भी तुम्हें दिखेगा लिटरली, एक तुमको एक बताता हूँ, फेस दिखा दो क्या होगा। नया बंदा आया, अंडरडॉग का मास्क पहन लिया, हैक लगाया, अब फाइनल पहुंच गया, लास्ट आ गया। अरे यार मेरा तो पहला टूर्नामेंट था T1 में, पहला लैन था, तो मैं लास्ट आ गया। ऐसे एक साल गांड मराते रहेगा, एक साल तक गांड मराता रहता, गेम सीख जाएगा और T1 पे मिल जाएगा। असली बंदे जो गांड घिस रहे, जो स्ट्रगल वाला फेज जो क्रॉस करना है, वो असली बंदे स्ट्रगल का फेज क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे और करियर की जाएगी और पढ़ाई करने जाएंगे। सिंपल ये होने वाला है फ्यूचर ऑफ BGMI स्पोर्ट्स इन इंडिया, अंटिल अनलेस स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए या फिर फ्रेंचाइज सिस्टम ले आओ जहाँ पे अंडरडॉग जाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे ऊपर। 16 टीम रखो, 16 भी चलती है, 24 टीम रख दो T1 की, जो उसी को हर बार इनवाइट देते जाओ, दे दो। कोई अच्छा अंडरडॉग है उसको अपने आप कोई 24 में से कोई टीम खरीद लेगा, आओ खेल मेरी टीम से, यही सिस्टम होना ही पड़ेगा भाई।